हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुबोध जी। तो स्वागत करता हूं सबका एक और न्यू फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स और रिव्यू लेके आ चुका हूं इस प्रोडक्ट का, जो कि आता है डिजिटेक की तरफ से, डिजिटेक प्रोफेशनल फ्लैश बॉट एसेसरीज, जो कि एक स्टार्टर किट है। और इसका जो सीरीज है वो है DFB002। सो DFB003 भी आता है, जिसमें जो है एक और नया प्रोडक्ट जो है ऐड किया है इन लोगों ने, पर वो थोड़ा सा महंगा है। तो ये जो है एक स्टार्टर किट है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अवेलेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है इसकी, और सारी जो चीज़ें हैं इसमें मिल जाएगी आपको, आप इससे आराम से काम कर सकते हो। तो इसको जो है मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, और अमेजोन में जो इसका रेट अभी चल रहा है वो चल रहा है 2200 रुपये। पहले जो है थोड़ा सा महंगा था, अब जो है सस्ता हो गया है। अभी जो है 3000 से होके ये 2200 रुपये में मिलने लगा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो प्राइस टू वैल्यू जो है ना, ये बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है यार, बहुत ही प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं मैगमॉड की तरह से, यार मैगमॉड एक अलग चीज़ है भाई, तो उसको इसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो है प्राइस देखो इसका, तो उसके हिसाब से जो चीज़ है ना बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसको अनबॉक्स करेंगे, इस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप इसको प्लान कर रहे हो प्रोडक्ट को बाय करने का, तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, वहाँ से अगर परचेज करना है तो मेरे चैनल को हेल्प हो जाएगी और आपको जो है कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि अगर मैं ऐसे और नए वीडियोज़ लेकर आता हूँ ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो जल्दी से है ना थोड़ा सा बॉक्स ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग उसको ओपन करेंगे और देखेंगे कैसा क्या कंटेंट आता है। तो देख सकते हो सबसे पहले जो है ना, ये थोड़ा सा येलो कलर में और ब्लैक कलर में आता है, और मेरा जो टेबल का कलर है यार वो भी येलो है, मैचिंग हो गया है। तो कमेंट करके बताना कि मेरा जो ये टेबल का कलर है जिसमें मैंने ये विनाइल शीट चढ़ाई है येलो कलर की, वो कैसी लग रही है, क्योंकि ये मेरा जो है ना अनबॉक्सिंग टेबल है। तो बात करते हैं मेन इसी डब्बे की जिसकी हम बात कर रहे थे, इधर उधर नहीं भटक के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो ये एक स्टार्टर किट है जिसमें DFB002 लिखा हुआ है, और कैसे इसको माउंट करते हैं वो भी चीज़ लिखी हुई है। और नीचे आप ये देख सकते हो इसके साथ ये चीज़ें आती है, जिसमें क्रिएटिव जेल्स, स्पेयर ग्रिप जेल, ग्रिड जेल माउंट, और ये जो है ना एक अपने लोगों को वॉलेट मिल जाता है जिसमें लोग जेल्स रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इन सारी चीज़ों का मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको एक एक करके कि किस में क्या क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और जिससे मैंने फोटोशूट्स किए हैं वो भी मैं आपको लास्ट में जो है ना रिजल्ट दिखा दूंगा कि कैसा क्या रिजल्ट आता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसको ओपन करके कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है। तो ओपन जो है ऐसा होता है, यहाँ पर जो है ना कुछ मैग्नेटिक लॉक है, तो आप ये देख सकते हो ये पूरा जो है ना कॉपी है मैगमॉड का। सो गाइस, बिल्कुल भी मतलब डरिएगा मत। तो ये जो है ऐसा ओपन होता है और ऐसा कुछ खुल जाता है। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर जो है प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, और ये ऐसा ओपन हो जाता है। एकदम टू कॉपी है यार गाइस, मतलब देख रहा हूँ ये जो येलो कलर का जो स्ट्रिप जो लगी हुई है इसमें, येलो कलर का जो थ्रेड लगा है वो तक कॉपी करके इन लोगों ने एकदम बना दिया। तो मेन जो है इसके अंदर ये प्रोडक्ट आता है, ये इसका मेन प्रोडक्ट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और दूसरा जो है इसका ये जो है पाउच है जिसमें जो है इसका जेल्स आता है। तो बॉक्स को जो हम लोग साइड में रख लेते हैं, और मेन बात करते हैं इसके पहले पैकेट की जिसमें जेल आता है। तो आप ये देख सकते हो इसमें जो डीटेक की ब्रांडिंग है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि यार इसके साथ ये मिल रहा है, क्योंकि होता क्या है मोस्टली जो हम लोग जेल्स रखते हैं ना, तो यहाँ वो गुम हो जाते हैं भाई, और गुम होने के बाद ना इतना बुरा हो जाता है ना कि भाई मिलते भी नहीं है। तो इसको ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या कलर्स आते हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ कलर्स है यार, इतने सारे कलर्स तो मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ पर्सनली। जो मेरा फेवरेट है वो है ये एक येलो कलर का जो जेल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। येलो जो जेल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं यार। तो एक जो है ना कंटेंट निकाल लेते हैं, देखते कैसी क्वालिटी है। तो आप ये देख सकते हो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और टूटेगा नहीं, ड्यूरेबल है, नहीं टूटेगा बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पाउच की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो जल्दी से इसको फोल्ड कर लेते हैं और लगा देते हैं, और ये देख रहे हो डिजिटेक की ब्रांडिंग अच्छी लग रही है। तो इसको रख लेते हैं साइड में और बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो ये जो है ना स्पेयर है, डिजिटेक वाला जो स्पेयर है वो है। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, बट यार मैगमॉड सही में बहुत ज़्यादा बेटर है, क्यों बट यार वही बात फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यार एक 15,000 के प्रोडक्ट में और एक 2,000 के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, दो मैग्नेट यहाँ पर है जो कि बहुत ही तगड़ा मैग्नेट है, और जल्दी जो है इजीली अगर आप किसी चीज़ में लगा देंगे मैग्नेट इसका जो ग्रिप आता है उसके साथ, तो ये फॉल नहीं होगा। तो अच्छा है, ये अच्छा है, क्वालिटी इज़ गुड, मज़ा आ रहा है खेलने में इसके साथ। तो बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, इसमें जो है एक और चीज़ मिल जाता है, ये जो है इसका ग्रिप है जो कि ये फ्लैश में लगता है, मैं लगा के बताऊंगा आपको। इसके साथ आपको एक ये ग्रिड मिल जाती है, और यार ये ग्रिड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बोलूँगा मैं कि जो रबड़ है वो अच्छा है, सॉफ्ट है और अच्छी है क्वालिटी। इसमें भी दो मैग्नेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और एक ये जो है ना जेल होल्डर है, इसमें भी जो यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को जो है ना हम लोग को फ्लैश में चढ़ाना होता है, और अभी बहुत हार्ड है ये, इसको अपन थोड़ा
चढ़ा के देखते हैं कि ये चढ़ जाए इसमें, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। तो इसको जो है थोड़ा खींच के सा लगाना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको सब करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा गाइस आपको, मतलब पूरा दम जो है आपका लग जाएगा इसमें। और एक बार लगाने के बाद है ना आप इसको निकालने का सोचोगे भी नहीं। तो ये लग गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, इसको लगाने के बाद जो है ना थोड़ा सा आप ये देख सकते हो वाइटिश या कुछ कंटेंट हो रहा है ये। तो इट्स लाइक यार ये चीज़ हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है ये यहाँ से रबड़ जैसा ख़राब हो तो रबड़ टूट सकता है इसका। आप ये देख सकते हो यहाँ पर भी जो थोड़ा वाइटिश सा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया और इसके अंदर लगाया, लगाने के बाद जो ये चीज़ हो रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। बट ओवरऑल देखते हैं कब तक चलता है ये, चलता है कि नहीं चलता है भाई, क्या होता है। तो ये जो है इसमें ऐसा लग जाता है और लगने के बाद जो है आपको ये चीज़ जो है ना इसके ऊपर जाता है ऐसा, और ये डिफ्यूज़ कर देता है। और एक चीज़ का मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक मैम जो है बता रही थी कि मैगमोड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटेक, और उसको ऐसा करो तो भाई ये खुल के गिर जाता है। तो मैं भी ट्राई करके देखना चाहूँगा यार ऐसा होता है क्या। भाई नहीं गिर रहा है यार, नहीं गिर रहा है। तो नहीं गिर रहा है, आप देख सकते हो यार इसका मैग्नेट कितना तगड़ा है। अब जब उसको यूज़ करो कैमरे के ऊपर, और अब भाई ऐसा ऐसा करके तो कोई भी यूज़ नहीं करता, बट इट्स लाइक फिर भी आप देख रहे हो जो भी बोल रहे कि ऐसा ऐसा कर। सो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार इसको ऐसा ऐसा करने पे भाई गिर जाएगा और भाई आप पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ यार कि मैगमोड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डिजिटेक, बट ये भी प्राइस के हिसाब से आप देखो ना यार की कंपेरिजन, और यार नहीं गिरेगा यार, अच्छा है, अच्छा खासा, एक बार चिपकने के बाद नहीं खुलता है। तो ये चीज़ रही इसकी बात। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्रिप की। तो आप ये देख सकते हो इसकी ग्रिप की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रबड़ जो है अच्छा है और इजिली ख़राब नहीं होगा। इसमें जो तो मैग्नेट लगे वो भी अच्छे हैं। तो ये जो है आप ऐसा लगा के लाइट को ना कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ होता है ये ग्रिड, तो आप ऐसा लगा दोगे तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा लाइट आपका, मतलब कहीं पर इधर उधर स्पिल नहीं होगा, सीधा ऐसा जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके इस कवर की जिसमें हम लोगों ने जेल लगाते हैं। तो जेल लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जेल निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, मेरे पास रखा हुआ है। तो इट्स लाइक ये निकाल लिया मैंने जेल, और इसके ऊपर जो है मैं इसको ऐसा लगा के फिक्स करना होता है। तो इट्स लाइक प्रॉपरली फिट नहीं है, थोड़ा सा ढीला है, ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा ढीला है, बट इट्स लाइक गिरेगा नहीं है, नहीं गिरेगा तो नहीं है। तो इसको जो है हम लोग ऐसा लगा देते हैं और ये देख सकते हैं। सो गाइस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि क्या मुझे डिफरेंस बता सकते हैं कि अगर मैं ग्रिड पहले लगाऊं फिर जेल लगाऊंगा तो लाइट की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आएगा, या फिर अगर हम इसको उल्टा करें कि हम जो है जेल को पहले लगाते हैं और ग्रिड को बाद में लगाते हैं तो लाइट में क्या डिफरेंस आएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका कि क्या दोनों लाइट में डिफरेंस आएगा, ये चीज़ बताना मुझे, ठीक है ना गाइस। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कभी इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो, ट्रायल हिट एंड ट्रायल किया हो, तो बताइएगा आप मुझे कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में। एक और चीज़ इसमें यह है कि हम जो है इसको एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लाइट एंड डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको कॉन्सेंट्रेटेड लाइट चाहिए तो हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया इसको और इसके ऊपर हमने ये डिफ्यूज़र लगा दिया, तो अब ये कॉन्सेंट्रेटेड प्लस डिफ्यूज़र लाइट जो है आपको मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि यार कौन सा फ्लैश है ये, तो फ्लैश मैं बता देता हूँ, गोडॉक्स का TT685 है। आप ये देख सकते हो गोडॉक्स का TT685 है। तो ये जो है मोस्टली फ्लैशेस से कंपैटिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको परचेस कर सकते हो, इजीली लग जाएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आप जाके लाइक कर दो वीडियो को। और हाँ, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।